फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ बाय चारू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही प्यारी नर्सरी में आई हूँ जिसका नाम है मडी बूट्स। इट इज़ इन नोएडा। आपको बहुत इजीली इसकी लोकेशन मिल जाएगी। मैं सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ के एड्रेस की, इनके कॉन्टैक्ट नंबर की, सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मडी बूट प्लेस है, इसमें मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। ये एक नर्सरी है जहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके के प्लांट्स रखे गए हैं और यहाँ की जो ओनर है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है प्लांट्स की। तो चलिए, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो कुछ नए प्लांट्स के लिए जानकारी देते हुए मैं बनाने जा रही हूँ। वाओ, दिस इज़ समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लांट हेयर, अमेजिंग। वाओ, एंड सच अ हेल्दी फ्लावर कमिंग। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आई हूँ मडी बूट पे। ये आपको सबको पता है, मडी बूट की ओनर जो है मिसेस मधु, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इतने डिफरेंट प्लांट्स, ब्यूटीफुल प्लांट्स का कलेक्शन इनके पास कहाँ से आया और कैसे ये इनको मेंटेन करती हैं। हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू मैम। ये इस प्लांट के बारे में आपसे कुछ डिटेल चाहूँगी, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी नर्सरीज इन दिस टेन्योर, बट आई हैव नेवर गॉन थ्रू विद सच अ स्पेशल प्लांट। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस प्लांट। वेल, एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्लांट। दिस इज मेडिनेला मैग्निफिका। इट बिलोंग्स टू द ऑर्किड फैमिली। Okay. And these are bracts. Basically, if you look at this, these are bracts, and okay. This is the actual flower. Oh, beautiful! And this is one of the most beautiful flower. These are also known as Philippine orchids. Okay. Or rose grapes. Rose grapes. Yes. Usually, people think that this cannot be maintained here in India, but that's not right. You can grow Medinilla magnifica in India. In fact, we have a different variety of Medinilla in India, which is called Medinilla indica, which comes only with these tiny little flowers, and they don't have these bracts. All but right. This one is more special because of the bracts, which gives it this amazing look. Because these flowers are much more beautiful. This is very beautiful. It's an indoor plant. Yes, it's an absolute indoor plant because it cannot withstand strong sun, and it doesn't like dry wind. You know, any kind of dry air is not good for it. Okay. It needs humidity. It's fairly easy to maintain if you really look at it, because you can grow it in normal peat moss or sphagnum moss composition, and it doesn't require too much of watering. If you look at the leaves, they are little thicker leaves, and these are the leaves that carry the moisture for the plant. So it is advisable to keep the soil dry, on the drier side rather. Okay. And it has to be a very well drained soil. Ma'am, इसका नाम एक बार आप फिर से repeat कीजिए, so that मेरे viewers को क्लियरली इसका नाम पता लगे। इट्स अमेजिंग प्लांट, एंड एवरीवन, आई गेस ये वीडियो देखने के बाद पीपल विल क्रेजी टू बाय दिस प्लांट। दिस इज मेडिनिला मैग्निफिका। ओके मैम, इट्स अ ब्यूटिफुल। द सेकंड प्लांट व्हिच आई एम सीइंग हियर, दिस इज, आई गेस दिस इज मोंटेसेरा। दिस इज मोंस्टेरा डेलिसियोसा। ओके मैम। मैम, ये नोएडा में चल जाता है, बिकॉज ये अधिकतर मैंने मुंबई साइड में देखा है जहाँ सी शोर्स लगे हुए हैं, ऐसे एरियाज में, गोवा में मैंने देखा है, दिल्ली में और एनसीआर में मैंने बहुत कम इसे लगते हुए देखा है, इतने ह्यूज साइज के साथ। आई हैव अ स्मॉलर वन, बट आई हैवंट सीन सच अ ह्यूज साइज एंड ग्रोइंग सो वेल। सी, एक्चुअली आई विल टेल यू, ये जो जितने इंडोर प्लांट्स होते हैं या जो घर सजावट के लिए हम प्लांट्स यूज करते हैं, मोस्टली दे बिलोंग टू द एरेसियासी फैमिली, जिनको 15 डिग्रीज से लेकर के 35 डिग्रीज तक ये सबसे अच्छा, मतलब सर्वाइव करते हैं या ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली एनसीआर में हीट बहुत ज़्यादा होता है, समर्स बहुत हार्श है, बट ये इंडोर में बहुत अच्छा मतलब ग्रो करते हैं। सेकेंडली, इनको ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सॉयल कॉम्पोजिशन। आपको ये जानना चाहिए कि आपका प्लांट का सॉयल कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आपका सॉयल कॉम्पोजिशन सही है तो ये यहाँ पर भी ग्रो करता है। ये आपका, यू नो, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ कि ये इतना बड़ा हो रहा है। एंड एक और चीज़,
ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली का है. फिलोडेंड्रॉन फैमिली के जितने भी प्लांट्स है, दे डोंट लाइक टू बी फस्ट अराउंड, यू नो. यू गिव देम प्रॉपर पॉटिंग सॉइल, गिव देम ह्यूमिडिटी. इसलिए गर्मी के टाइम में अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टिंग करते रहे. वो उससे तो उसके पत्ते ड्राई नहीं होंगे और वो बहुत अच्छे से थ्राइव भी करेगा. ब्यूटिफुल प्लांट मैम. एंड कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट इट्स सॉइल कंपोजिशन आल्सो. थंब रूल अबाउट एनी काइंड ऑफ प्लांट, द सॉइल शुड बी वेल एरेटेड. उसके ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए. आप अगर कहीं से गार्डन सॉइल उठा के उसमें डाल देंगे और उसमें पानी डालते हैं और वाटर क्लॉगिंग होती है तो कोई भी प्लांट नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी प्लांट हो जिसको आप मान लीजिए. देखिए मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा भी एक हमारा देसी प्लांट ही है, ये कोई विदेशी प्लांट नहीं है. लेकिन लोग इसके आई शुड से पॉपुलैरिटी के वजह से पीपल थिंक दैट दिस इज नॉट फ्रॉम आवर साइड ऑफ द यू नो कंट्री और समथिंग. प्लांट लवर्स की विश लिस्ट में इसका नाम ना होना इट्स येस. बट द ओनली थिंग इज द सॉइल कॉम्पोजिशन. मेक श्योर दैट योर पॉटिंग मिक्स, वेन एवर यू मेक ए पॉटिंग मिक्स, पोर वाटर, सी हाउ पोरस, कितना जल्दी पानी नीचे से निकलता है. वो बहुत ज़रूरी होता है. जब आपका पॉटिंग मिक्स सही होगा तो प्लांट ज़रूर बचेगा और चलेगा भी, चाहे वेदर कंडीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो. और वो तो थोड़ा बहुत देखिए, हम लोग यहाँ पर गर्मी में हर कोई करता है, जब बहुत पीक समर होती है, धूप ज़्यादा आता है, तो लोग शेड में कर ही लेते हैं अपने प्लांट्स को. राइट, वो करके. और मिस्टिंग गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बल्कि यहाँ दिल्ली NCR में गर्मी से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक विंटर्स होते हैं, क्योंकि विंटर्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव द प्लांट्स. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. आपने कभी भी फ्रीज़र में सब्जियों को देखा है, जब ज़्यादा उसका टेम्परेचर डाउन होता है सब्जी गल जाते हैं. उसको आप कभी रिस्टोर नहीं कर सकते. समर में पत्ते जल जाते हैं, उस प्लांट को आप रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट विंटर में गल जाते हैं उसको आप नहीं कर सकते हैं. ओके मैम. मैम दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल प्लांट. यू हैव अमेजिंग कलेक्शन आई मस्ट से. This is a philodendron, I guess? No, this is not a philodendron, even though it looks like a philodendron. But this is a syngonium. This is a syngonium chiapins. Very hardy, very easy to grow. Indoor में भी बहुत अच्छे से grow होता है. Dappled sunlight दीजिए, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये grow हो रहा है. Yes, the height of this plant. Friends, this is a beautiful plant for your living area, for your dormitories. In case if you have to decorate your office, this is the perfect option. In this time, this is a very good plant for summers. Not summers, it's a plant for all seasons. It has withstood all the winter, the summer, and it's growing, it's doing very well. And it's very easy to maintain plant. Okay. So Madhu ji, meri curiosity bahut zyada badh rahi hai. Like, you have such a big area. So how you started for this nursery? Ye thought kaise aaya? Because you are like a person jisko har पौधे के बारे में पूरी तरीके से जानकारी है, हेड टू टो, विच इज़ यूजुअली वेरी हार्ड, वेरी टफ टू नो. बिकॉज यहाँ नोएडा में इफ़ आई गो टू एनी XYZ नर्सरी और इन दिल्ली ऑल्सो, सो आई गेट पीपल फ्रॉम द फार्मर बैकग्राउंड, दोज हू हैव लिटिल बिट इंटरेस्ट इन द प्लांट्स, और दे आर कीपिंग प्लांट्स जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम. सो हाउ योर स्टोरी बिगेन विद दिस मडी बूट कलेक्शन? सी, I am basically a hobbyist who has turned my hobby into a profession. Because I had to do something, so that was the reason why I decided that this is best what, and nothing works better than turning your passion into profession. And about the plants and names that I know, see, for everything, like say for example, when you become an engineer, even though it's your profession, but you need to learn the subject matter before you can, you know, venture into something. No matter whatever you do, you need to have a basic knowledge about what you are dealing with. So slowly, and because I had too many plants at home, and I like to know about the plants, until and unless I know, I'll not be able to save them. Secondly, when I came into this venture, I realized that I need to give people the know-how. Selling is very easy, but if I don't help them to save their plants, and then, especially growing them in a same manner, the way you can
Exactly, and if they are not able to save the plants, they'll lose the motivation of collecting more plants. Definitely. So for me, it's very important that people are able to, you know, save their plants. Okay, here I'm looking, the table plants are looking very pretty. See friends, these are beautiful. These you can keep on your desk, on your, I can say, see, on the dining tables also, you can put it on your living room tables also, and office desk also. It is a very good gift for any plant lover also. So ma'am, can I have some detail about this beautiful? This is Spilia or the Chinese money plant, one of the most sought after plants actually. Okay. And it's very easy to grow. If you can see, you know, it doesn't need too much of care, and yes, it doesn't like sun, so grows wonderfully well indoors. Okay, so this is a perfect indoor plant. See this another, ma'am, what's the name of this plant? These are Podocarpus. Okay. And it grows beautifully well. If you want to make any kind of miniature tray gardens or that sort of miniature gardens, this comes very handy. It's very easy to maintain, and you know, you can make a nice miniature jungle out of this Podocarpus. Okay, this is looking very nice. Ma'am, can I know an idea about like what is the soil composition for this plant? Because usually when we keep plants indoor, after some time plant die. See, no matter what is the weather condition we are providing, we can keep it in AC because nowadays ab pure time AC chalne wala hai, garmi bilkul upar, sun ekdam upar aa chuka hai. So in that time, क्या इसका ध्यान किस तरीके से आई कैन डू मच? एक मिथ में आप लोगों का वो करना चाहती हूँ कि एसी में रहने से प्लांट अच्छे रहेंगे. एसी में सबसे ज़्यादा प्लांट को डिहाइड्रेट होते हैं क्योंकि वो ड्राई करता है. तो एसी में भी अगर आप प्लांट रखते हैं तो गर्मी के टाइम में उसको मॉइस्चर या मिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंडली, हम जितने भी इंडोर प्लांट्स रखते हैं, अनटिल एंड अनलेस दे आर वेरी बिग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एरेका पाम को इंडोर में रखना चाहते हैं, उसके सॉयल कंपोजिशन हम थोड़ा अलग रखते हैं. जो टेबल टॉप्स होते हैं वो एब्सोल्युटली सॉयललेस पॉटिंग मिक्स में लगाया जाता है. ओके. उसमें ये होता है कि उसका कंपोजिशन ऐसा है जिसमें मॉइस्चर रिटेन कर सकता है बहुत दिनों तक, ताकि अगर बाई चांस आप कहीं जा रहे हैं एक दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, और आप एक बार पानी डाल के जाए, तो उसका जो सॉइल कंपोजिशन है वो उसका मॉइस्चर रिटेन करता है और आपका प्लांट को कोई वो ड्राई नहीं हो जाता है, जो कि सॉइल में अगर आप सिर्फ गार्डन सॉइल में लगाते तो वो हो सकता है. सेकेंडली, बड़े प्लांट्स अगर आप इंडोर रखते हैं तो उसके लिए सिर्फ ये जो सॉइललेस मिक्सचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइललेस मिक्सचर बहुत ही लूज होता है उसका टेक्सचर, और बड़ा प्लांट होगा तो वो उसमें रहेगा नहीं, वो झुक जाएगा एक साइड में या गिर जाएगा, तो पकड़ नहीं आ पाएगी. तो उसके लिए हमें उस तरीके के मिक्सचर बनाने पड़ते हैं जिसमें गार्डन सॉइल भी एक पार्ट होता है, पर इसके बाद में भी दूसरे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको कि एरेशन बराबर मिले, मॉइस्चर रिटेंशन भी हो, लेकिन सपोर्ट भी हो. मैम, पूरी नर्सरी तो गाइज आज मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, दो पार्ट्स में शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी, बिकॉज दे हैव अबंडेंट कलेक्शन. इट इज़ मेड अप इन अ ह्यूज एरिया. यू कैन हैव अ लुक लाइक दिस. ये तो सिर्फ इंडोर सेक्शन है फ्रेंड्स, इसके अलावा दे हैव अ ह्यूज आउटडोर सेक्शन ऑल्सो. एंड पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पर्टिकुलरली जिनके पास घरों में धूप आती है और अब उनको गार्डन सेटअप करना है गर्मियों के हिसाब से और फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए, सो सी द कलेक्शन. दे हैव अमेजिंग कलेक्शन विद देम. वेरी कॉमन प्लांट, दिस इज कलांचो. Okay. And the flowering season is usually winter, but calanchos are permanent plants. I mean, it doesn't die out like other seasonal flowers that die out after the season is the winter is over. Okay. But these are permanent plants. You just need to save them during the summers, keep them away from direct sunlight and less of watering. And the next when it's time for it to bloom, it will be all up and blooming again. Okay. So friends, they have variety, they have knowledge. They have everything which a plant lover should look forward for. See the beautiful flowers. These are verbenas. Verbenas, all right. इनके लिए भी कम पानी डालना होता है? नहीं, ये तो समर फ्लावरिंग है और समर में यूजुअली दूसरे टाइम के मतलब विंटर के हिसाब से समर में पानी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि इवोपोरेशन बहुत जल्दी हो जाती है. सो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही. आई विल कवर द सेकेंड वीडियो एंड आई विल कम बैक हियर अगेन एंड गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट, अबाउट वॉट एवर प्लांट्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर.